हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाथ में मौली क्यों बांधी जाती है सावन के महीने में। देखिए, मौली यानी कि कलावा जब हाथ में बांधा जाता है तो ये जो सनातन धर्म है इसमें बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, हवन करते हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिस जो रिलेटेड हो हमारे धर्म से, उसमें मौली ज़रूर बांधी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मौली जो सावन के महीने में बांधी जाती है उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है? आज मैं आपको बताऊँगी। देखिए, मौली सावन के महीने में इसलिए बांधी जाती है क्योंकि सावन के महीने में या फिर मानसून के महीने में, जो कि जून से लेकर के सितंबर तक होता है, इन महीनों में पित्त से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हमारे शरीर में हमें होने लगती हैं। अब पित्त से रिलेटेड कौन सी परेशानी होती हैं? जैसे पेट में दर्द हो जाना, कुछ भी खाते ही टॉयलेट जाना, खाना ना पचना, जल्दी जल्दी भूख लगना या फिर भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, ये सारी हैं पित्त से रिलेटेड परेशानियाँ। पित्त क्या होता है? अग्नि। खाना पचाने के लिए जो अग्नि जलती है हमारे पेट में उसे हम पित्त कहते हैं। तो अब क्या होता है कि सावन के महीने में पेट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियाँ हमें हो जाती हैं और उन्हीं परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हम मौली बांधते हैं, यानी कि हाथ में कलावा बांधते हैं। क्योंकि देखिए, जो ये हमारा हिस्सा है हाथ का, जो हमारा इतना हिस्सा है, ये है वात, पित्त और कफ। ये जो ये तीन दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो कि वात, पित्त और कफ हैं, इन्हीं को संतुलित रखने के लिए हाथ में मौली बांधी जाती है, खासकर मानसून के टाइम में, यानी कि सावन के महीने में। वात, पित्त, कफ अगर संतुलित होगा तो बीमार नहीं होंगे, और अगर वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। और सावन के महीने में पित्त सबसे जल्दी बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में जो हमारी पाचन क्रियाएं हैं उनका कार्य धीमा हो जाता है, तो इसलिए पाचन क्रियाओं को सही करने के लिए और वात, पित्त, कफ को सही रखने के लिए मौली का इस्तेमाल किया जाता है, मौली को हाथ पर बांधा जाता है। लेकिन जो मौली हाथ में नहीं बांधना चाहते या फिर नहीं बांधते हैं, उनके लिए एक दूसरा भी उपाय है कि आप इतने ही हिस्से में आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। वो एक्यूप्रेशर कैसे है वो आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जो ये वाला सिरा है इसका, ये उठे हुए भाग पे जो ये लाइन आ रही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये रिस्ट की जो ये टॉप है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये होता है वात, फिर 2 इंच छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये होता है पित्त, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब ये रिस्ट का जो टॉप है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये है वात, फिर 2 उंगल छोड़ के यहाँ पे करेंगे, ये है पित्त, और फिर से 2 उंगल छोड़ के यहाँ पे आप करेंगे कफ। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वात, पित्त और कफ। ये तीनों चीज़ें हमारी सही रहनी चाहिए, ये तीनों दोष हमारे शरीर में संतुलित रहने चाहिए। यदि ये संतुलित रहते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।